दोस्तों ब्लड लाइन WWE की सबसे खतरनाक टैग टीम फैक्शन है, जिसकी लेवल की टैग टीम फैक्शन WWE में है ही नहीं। बट रिसेंट टाइम में WWE ने रॉ पे एक ऐसी टैग टीम फैक्शन को इंट्रोड्यूस करवाया है, जो आने वाले टाइम में रोमन रेंस की ब्लड लाइन को बहुत अच्छी टक्कर दे सकती है। यस, मैं बात कर रहा हूँ इंडस शेयर की। अब पिछले रॉ पे जिस तरह से इंडस शेयर को इंट्रोड्यूस करवाया वो बहुत औसम था, और अब वीरमान, सांगा, जेंडर माल और शेंकी को देखकर ऐसा लग रहा है कि ये लोग आने वाले टाइम में रॉ को डोमिनेट करने वाले। आप वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप वीडियो को लाइक करके कमेंट करो ब्लड लाइन। अगर आप रोमन रेंस की ब्लड लाइन की साइड हो या इंडस शेयर, अगर आप वीरमान की इंडस शेयर की साइड हो, और वीडियो बहुत औसम होने वाली है तो इसे लास्ट तक जरूर देखना। सो हेलो फ्रेंड्स, आई एम बेन, और चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते। दोस्तों बात करें इंडस शेयर की, तो इंडस शेयर टैग टीम में वो सब है जिसे WWE आमतौर पर एक टैग टीम में देखती है। इंडस शेयर में वीर मान है, जो प्रोबेबली इंडस शेयर में रोमन रेंस की तरह है। वो बहुत गुस्से वाले रेसलर है, और ताकत के मामले में हमने देखा है कि कैसे वीर मान उनके अपोनेंट को डिस्ट्रॉय करते है। इसके अलावा इंडस शेयर टैग टीम के दूसरे मेंबर सांगा है, जो कि इंडस शेयर टैग टीम में सोलो सिकोवा की तरह है। आप सांगा और सोलो सिकोवा बहुत डिफरेंट टाइप के रेसलर है, और दोनों का कैरेक्टर और एटीट्यूड बहुत ही डिफरेंट है। लेकिन ताकत के मामले में सांगा बहुत स्ट्रांग रेसलर है। उनकी बॉडी फिजिक्स को देखकर अच्छे से अच्छा रेसलर डर जाता है, और बॉडी फिजिक्स के मामले में सांगा ब्रॉन स्ट्रोमन जैसे, यानी पूरे मॉन्स्टर। और जहाँ WWE सोलो सिकोवा को डोमिनेट सुपरस्टार दिखाने का फुल ट्राई कर रही है, वही WWE को सांगा को डोमिनेट सुपरस्टार दिखाने का ज्यादा ट्राई करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सांगा ऑलरेडी डोमिनेटेड सुपरस्टार लगते है। इसके अलावा इंडस शेयर के थर्ड एंड मोस्ट इंपोर्टेंट सुपरस्टार जेंडर माल है, जो इंडस शेयर टैग टीम में पॉल हेमन की तरह है। अब गाइस, मैंने जेंडर माल को पॉल हेमन से कंपेयर इसलिए किया क्योंकि जेंडर माल इंडस शेयर के स्पोक पर्सन होने वाले, बिल्कुल उसी तरह जैसे ब्लड लाइन के स्पोक पर्सन पॉल हेमन है। लेकिन स्पोक पर्सन बनने के अलावा ऐसा भी लग रहा है कि जेंडर माल इंडस शेयर को लीड करेंगे। मतलब इंडस शेयर को किस पे अटैक करना है, किसका दोस्त और किसका दुश्मन बनना है, ये सारी चीजें जेंडर माल डिसाइड करेंगे। अब जेंडर माल WWE चैंपियन रह चुके और पूरी इंडस शेयर टैग टीम में सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस और सबसे ज्यादा चीजें अचीव करने वाले रेसलर जेंडर माल ही है, तो इसीलिए इस बात का पूरा सेंस बनता है कि वो इंडस शेयर को लीड करे। इसके अलावा इंडस शेयर के नेक्स्ट एंड लास्ट मेंबर शेंकी है। आप गाइस, बॉडी फिजिक्स के मामले में शेंकी किसी मॉन्स्टर से कम नहीं है, बट उनकी हरकतें बच्चे जैसी है, और लिटरली बताओ तो WWE में कोई शेंकी से नहीं डरता। और लास्ट टाइम WWE ने शेंकी की इमेज को इतना ज्यादा खराब कर दिया कि अगर कोई शेंकी मैच लड़े तब इनके मैच में कोई इंटरेस्ट ही नहीं लेता, क्योंकि सबको पता है शेंकी से कुछ होने वाला नहीं है, और मैच जीतना शेंकी की बस की बात ही नहीं है। अब गाइस, शेंकी की इमेज बहुत ज्यादा खराब है, लेकिन ये देखना काफी एक्साइटिंग रहेगा कि इंडियन ब्लड लाइन इंडस शेयर से ज्वाइन होने के बाद कैसे शेंकी के कैरेक्टर में चेंजेस आते। तो ये था इंडियन ब्लड लाइन इंडस शेयर टैग टीम मेंबर्स का छोटा सा इंट्रोडक्शन। अब मेन टॉपिक यानी ब्लड लाइन वर्सेस इंडस शेयर के मैच के विनर के बारे में डिस्कस करने से पहले बिग शॉट आउट टू मैट गेमर, सॉरी भाई अगर नाम गलत प्रोनाउंस किया तो, बट आपको बिग शॉट आउट। एंड मेरे दूसरे व्यूअर जिन्हें वीडियो में फीचर होना है, तो बस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो पे कमेंट करो। एंड चलिए जानते हैं इंडियन ब्लड लाइन इंडस शेयर वसी रियल ब्लड लाइन के मैच का विनर कौन होगा। अब गाइस, रोमन रेंस की ब्लड लाइन के बारे में शायद मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है कि उन लोगों ने क्या क्या कर रखा है, तो डायरेक्टली मैच के रिजल्ट के बारे में बात करते हैं। आप देखो, इंडस शेयर वसी ब्लड लाइन के मैच का रिजल्ट बहुत हद तक टाइम पे डिपेंड करता है। अगर WWE डिसाइड करती है कि आने वाले एक या दो महीनों के अंदर ही इंडस शेयर वसी ब्लड लाइन का मैच करवाना है, बिना इंडस शेयर को ठीक से सेटल हुए, तब शायद इंडस शेयर इस मैच को ना जीत पाए, क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं है कि ठीक से बिल्डअप हुए बिना न्यूली फॉर्म टैग टीम इंडस शेयर एक्सपीरियंस टैग टीम ब्लड लाइन को हरा सके। हाँ, अगर WWE नेक्स्ट ईयर ये मैच करवाती है तब शायद इंडस शेयर के जीतने के ज्यादा चांसेस रहेंगे। बस शर्त ये है कि WWE इंडस शेयर को रेगुलर शो पे लेकर आए और उन्हें डोमिनेंट सुपरस्टार की तरह बुक करे, जैसे पास में उन्होंने हार्ट बिजनेस और एज की जजमेंट डे को बिल्डअप किया था। उस टाइम ये टैग टीम ब्लड लाइन के सामने सच में काफी स्ट्रांग टैग टीम लग रही थी। वैसे WWE इंडस शेयर को भी बिल्डअप करे तब ये भी ब्लड लाइन के सामने काफी स्ट्रांग टैग टीम लग सकते। बस अगर WWE द ग्रेट खली को इंडस शेयर के लीडर के तौर पे अपॉइंट करे, जैसे WWE ने हार्ट बिजनेस के लिए MVP को अपॉइंट किया था, तब शायद इंडस शेयर WWE की अनस्टॉपेबल टैग टीम फैक्शन बन सकती है। आपको भी द ग्रेट खली को इंडस शेयर में देखना है, और आपको क्या लगता है कि आने वाले टाइम में इंडस शेयर ब्लड लाइन के लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकती है, या ब्लड लाइन बाकी टैग टीम की तरह इंडस शेयर को भी डिस्ट्रॉय कर देंगे? कमेंट करके जरूर बताना। बस आज की वीडियो तक थी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर देना, और अगर आप पहली बार रेसलिंग टॉक हिंदी पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा देना, जिससे मेरी न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सो सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।
Oh.